लेडी डॉन के बारे में खुलासा, खास गुर्गे ने खोल दिए राज, दिल्ली में शाइस्ता का ठिकाना, यूपी पुलिस ने धर दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के खास गुर्गे शमशाद अहमद को गिरफ्तार किया है। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साए की तरह रहने वाला शमशाद पिछले साल फरवरी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। हत्याकांड के बाद पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वहीं शमशाद की गिरफ्तारी के बाद शाइस्ता परवीन को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या हुए हैं शाइस्ता परवीन को लेकर खुलासे, चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। एक साल से अधिक समय से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की बीवी पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही है। अब पुलिस को शाइस्ता परवीन के बारे में अहम जानकारी मिली है। ये जानकारी प्रयागराज पुलिस को अतीक के एक खास गुर्गे ने दी है, जिसका नाम मोहम्मद शमशाद है। शमशाद को पुलिस ने हाल ही में अरेस्ट किया है, हाल ही में गिरफ्तार किया है। दरअसल माफिया अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस को बीते दिनों एक सफलता मिली। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के खास गुर्गे शमशाद अहमद को गिरफ्तार किया। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साए की तरह रहने वाला शमशाद पिछले साल फरवरी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि शमशाद की गिरफ्तारी से शाइस्ता और साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई सारे सुराग मिलेंगे, अहम सुराग मिलेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शमशाद से पूछताछ के दौरान पुलिस को शाइस्ता को लेकर महत्वपूर्ण कई सारे बड़े सुराग पता लगे हैं, कई सारी महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं कि कुछ महीने पहले अतीक अहमद के गुर्गे कार से शमशाद को दिल्ली के पास एक गुमनाम जगह ले गए थे, जहां शाइस्ता परवीन से उसकी मुलाकात होनी थी। कार सवार जो उसे लेकर गए थे वो इस समय जेल में बंद है। पुलिस को उनके नाम भी बताए गए, लेकिन किस संदर्भ में ये मुलाकात होनी थी, किस चीज को लेकर ये मुलाकात की गई थी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज की पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस ने 29 अगस्त को बेली थाना कैंट के रहने वाले मोहम्मद शमशाद को बमरौली के पोघट पुल के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से आधा दर्जन देसी बम भी बरामद किए गए हैं। दरअसल फरवरी 2023 के बाद से पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी, उसकी खोजबीन कर रही थी। हालांकि वो पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरारी काट रहा था। वो प्रयागराज और प्रयागराज में छिप कर रह रहा था, प्रतापगढ़ में छिप कर रह रहा था। शुक्रवार की शाम को प्रयागराज पुलिस को शमशाद के बारे में सटीक जानकारी मिल गई, इनपुट मिल गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसके गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा के साथ ही 392 और 120/211 IPC के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला 38 साल का शमशाद प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के बेली इलाके में रहता था। शमशाद मृतक माफिया अतीक अहमद का खास गुर्गा रहा है। वो अतीक के जेल में रहने के दौरान माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन की सुरक्षा में था। फरवरी साल 2023 से पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में थी। वो महापौर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। उस दौरान शमशाद भी उसके साथ नजर आता था। 23 फरवरी 2023 को उमेश पाल केस से पहले एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें शमशाद को माफिया अतीक की पत्नी 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन के साथ देखा गया। इसी फुटेज की शिनाख्त पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अतीक अहमद केस अपराधी के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शाइस्ता के साथ 25,000 की नामी जैनब फातिमा और नूरी के बारे में भी पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि वो दोनों शाइस्ता के साथ नहीं है, लेकिन जेल में बंद अतीक अहमद के कुछ गुर्गे दोनों के ठिकानों के बारे में जानते हैं। पुलिस ने उन गुर्गों का नाम पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। शमशाद से पूछताछ के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया है कि तीनों लेडी डॉन एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अब दिल्ली के आसपास तीनों लेडी डॉन की तलाश तेज करेगी। थाना अध्यक्ष पूरा मुफ्ती मनोज सिंह का कहना है कि शमशाद से पूछताछ के बाद
शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। साथ ही माफिया अतीक के 3-4 गुर्गों के नाम भी पता चले हैं। पूरा मुफ्ती पुलिस ने शमशाद को जेल भेज दिया है, लेकिन अब उसे रिमांड पर लिया जाएगा। इसके लिए लिखा पढ़ी शुरू की गई है। शमशाद को रिमांड पर लेकर पुलिस उससे माफिया अतीक अहमद के गुर्गे के बारे में पूछताछ करेगी और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन के बारे में भी राज उगलवाएगी। गुर्गों की धरपकड़ में लगी पुलिस, शाइस्ता का मिला बड़ा सुराग, बेनामी संपत्तियों पर एक्शन जारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्तियां। वहीं एक तरफ जहां बाहुबली और भू माफिया अतीक अहमद से जुड़े गुर्गों की धरपकड़ की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया के खात्मे के बाद उसकी बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का एक्शन लगातार जारी है, जहां प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ फिर से अभियान शुरू कर दिया है। बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अतीक अहमद ने कई प्रॉपर्टी अपने यहाँ काम करने वालों के नाम पर ली हुई थी। अब एक एक करके पुलिस उन प्रॉपर्टीज का पता लगा रही है और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का पुलिस पता लगा चुकी है। इनमें से अब तक पुलिस के कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट 14 खंड 1 के तहत कुर्की कर चुकी है। इसी कड़ी में बाहुबली अतीक अहमद की करोड़ों की एक और बेनामी संपत्ति जल्द कुर्क करने की पुलिस तैयारी कर रही है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रचलित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना में पुलिस को रचना के मिरकपुर उपहार में 8 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का पता चला था। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन का सत्यापन करवाया। पुलिस और प्रशासन की जांच में ये मामला सही पाया गया, जिसके बाद अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी है। डीसीपी सिटी के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट की अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट 14 खंड 1 में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गे ने ये बेनामी संपत्ति सफाई कर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्टर्ड कराई है। सफाई कर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई थी। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनके गुर्गे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। सफाई कर्मी श्याम जी सरोज ने खुद अतरसुइया थाना पुलिस के सामने आकर ये मामले का खुलासा किया है। पीड़ित श्याम जी सरोज की तहरीर पर अतीक के 4 करीबियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया है। अतरसुइया थाना पुलिस ने अतीक के करीबी जावेद खान, कमरान अहमद, फराज अहमद खान शुक्ला जी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित श्याम जी सरो सफाई कर्मी है और कोराली नवाबगंज का रहने वाला है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अब जल्द ही कमिश्नरेट कोर्ट इसको गैंगस्टर में कुर्क करने का आदेश देगी, जिसके बाद अतीक की इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लग जाएगा और जल्द योगी सरकार जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। उसका काल आ गया था। उस कांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है, मास्टरमाइंड बनाया गया है। सीसीटीवी में बम फेंकते हुए दिखाई पड़ा गुड्डू मुस्लिम भी अतीक का खास गुर्गा है। अशरफ की पत्नी जैनब की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। ये सभी आज तक फरार चल रहे हैं। वहीं अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में शूटर्स ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। माफिया अतीक भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके काले करतूतों से कमाई गई संपत्ति अभी भी आबाद है। ऐसे में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने वाली योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है और इसी के तहत माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी माफिया से जुड़े लोगों पर एक्शन हो रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और जल्द ही शाइस्ता परवीन का भी पता चलेगा और उसका भी खात्मा होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।